प्रॉब्लम पाप करना नहीं, प्रॉब्लम ये है जब पाप करके आप पाप में पड़े रहते हैं। गलती आपसे हो सकती, लेकिन उस गलती के बाद सुधर जाओ, वापिस चले जाओ प्रभु के पास, आ जाओ परमेश्वर के पास। अगर सीधा डायरेक्ट अचूक चलोगे तो ज्यादा अच्छा है, आप ज्यादा ब्लेसिंग में स्पीड में चलोगे। हालेलुया। आपकी स्पीड, आपका लेवल, ये परमेश्वर ने नहीं सोचना, ये आपके कमिटमेंट ने आपका लेवल निर्धारित करना है। जैसे आपकी लकड़ी, जितनी आपकी लकड़ी उतनी आपकी फायर, जितना बलिदान उतनी आग आपकी लाइफ में होगी। अब ये आपने सोचना, मैं कितनी आग चाहता हूं या चाहती हूं अपनी लाइफ में, उतना बलिदान आपको देना पड़ता है, अपने टाइम का, अपने शरीर का, अपनी इच्छाओं का, इच्छा शक्तियों का। मैं उसको माफ नहीं कर सकती, मैं उसको माफ नहीं कर सकता, मैंने उसकी इतनी मदद की, उसने ऐसा किया। नो, लोग बोलते तो हैं कि हम प्यार में चलते हैं, पर प्रैक्टिकली वो नफरत में चलते हैं। अगर वो प्यार में चले, वो कभी खिलाफत नहीं करें। शाम को वचन का ध्यान इसलिए करने जाना क्योंकि लाइफ में शैतान आपको क्वेश्चंस देगा, सवाल देगा आपको। अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो ऐसा क्यों है, अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो ऐसा क्यों है। इसहाक दूसरी शादी कर सकता था, प्रभु ने मना तो नहीं किया था, पर उसका विवेक जानता था नहीं करनी, उसका विवेक जानता था कि नहीं, ये एक फाइट है, मैं शैतान के सामने झुकूंगा नहीं, कि अगर इससे बेबी नहीं हुआ जो खुदावंद ने भेजी, मैं अपनी मर्जी से एक और शादी कर लेता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं अब्राहम के वंश को बढ़ाऊंगा, अगर मेरा वंश ही ना हुआ तो परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं होगा, तो लेट मी हेल्प गॉड, मुझे खुदा की हेल्प करने दो। उसको आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर का संदूक लेके जा रहे थे वाचा का, तो संदूकों ने ठोकर खाई और एक बंदे ने उसे पकड़ लिया और परमेश्वर ने उसे मार दिया। दाऊद नाराज हो गया, कहता ये क्या बात हो गई, परमेश्वर का संदूक जा रहा है और वो गिरने लगा, एक बंदे ने उसे उठा लिया कि खुदा का संदूक ना गिरे, और वो उसी को प्रभु ने मार दिया। परमेश्वर कहता कि मेरा संदूक सिर्फ कौन उठाएंगे, हाँ हाँ लेवी लोग उठाएंगे, और मेरा संदूक गाड़ी पे नहीं जाएगा, लोग उठा के लेके जाएंगे। पर वो गाड़ी पे लेके जा रहा था ये शो करने के लिए कि मैं परमेश्वर से भी ज्यादा अच्छा सोच सकता हूं। प्रभु ने पैदल किया, नहीं नहीं अप्पा तो शांति रखो, अप्पा वधिया करांगे, और बंदा मरवा लिया उसने। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे संदूक को कोई आम व्यक्ति हाथ ना लगाए, और वो आम व्यक्ति सोच रहा था कि मैं परमेश्वर को सपोर्ट कर रहा हूं। आपका दो नंबर का पैसा प्रभु के काम को सपोर्ट करने के लिए नहीं, आप वैश्यापन से कमाया हुआ पैसा उसका टाइथ निकाल के आप दे रहे हैं, आप वो सपोर्ट नहीं कर रहे हो। हालेलुया। आप ऊर्जा वाली सपोर्ट कर रहे हो, आप लेवी वाली सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और परमेश्वर कहता मुझे ऊर्जा वाली सपोर्ट नहीं चाहिए, जिस चीज को मैंने ठहराया गलत है उस चीज से मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर आप रियल लव में हैं, आपका ध्यान सिर्फ वचन के ऊपर होगा, आप मनन करेंगे जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है, और उसके लिए जो वचन आपके लिए परमेश्वर ने दिया आप उस वचन को लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा, उसने सिर्फ आपको नहीं बुलाया। अगर आज आप चर्च में हो, उसने आपके वंशों को अपने पास बुलाया है, आप वंशों के लिए बुलाए गए हो। इसलिए जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं या जल्दी काली में, उनके लिए परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जब आपको बुलाता है, वो परवाह नहीं करता कि आपकी 8 साल वो प्रार्थना का उत्तर अगर ना भी दे दो, क्योंकि उसने आपके वंशों के बारे में सोचा हुआ, आपकी जनरेशंस के बारे में सोचा हुआ। मैंने ऐसे लोग मसीह में आते हुए देखे, जब मसीह में आए थे फाइनेंशियली अच्छे थे, मसीह में आए सेवा शुरू कर ली, फाइनेंशियली डाउन हो गए, इतने डाउन हो गए रोटी मांग मांग के खानी पड़ी। कितने साल ऐसा चला, रिश्तेदार बोले पागल हो गया तू, तू पागल है, तू 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 बेवकूफ है, इंसान है तू। और आज उनके बच्चे फॉरेन में सेट हैं, जो वो फॉरेन सपने में भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंशों को अपने पास बुलाता हूं, वंशों को, सिर्फ तुझे नहीं। अगर ऐसे लोग बैकस्लाइड हो जाएं 10 साल बाद, 12 साल बाद, कि हमें क्या मिला, हम तो और तंग हो गए, लेकिन उनको मालूम है परमेश्वर ने कहा मैं तेरी राजगद्दी को सर्वदा स्थिर रखूंगा,
ये सिर्फ दाऊद को नहीं कहा, यह परमेश्वर का दिल दर्शाता है कि जब वो एक व्यक्ति को पसंद करता है उसके वंशों के बारे में वो सोचता है। ये उसका हार्ट निर्धारित, परमेश्वर का हार्ट दिखता है इस वचन में कि उसने कहा दाऊद मैं तुझे पसंद करता हूं, मैं तेरे वंश को कभी भी इस गद्दी से उतारूंगा नहीं, मैं वंशों तक तेरी गद्दी को संभाल के रखूंगा। आज आप दाऊद की संतान है बाइबल के मुताबिक, उसकी गद्दी कभी खत्म नहीं हुई और ना ही कभी होगी यीशु मसीह के नाम में।